तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में, बियर शैम्पू, है ना। मतलब किसी के सामने घर पर अगर बोल दो ना बियर शैम्पू, तो घर वाले ऐसे देखते हैं कि भाई बियर से बाल धो रहा है यार, है ना। तो वो तो चलो मजाक की बात हो गई। बियर शैम्पू, इसके क्या बेनिफिट हैं, रियल में बेनिफिट है कि नहीं, क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है ये मार्केट में। मतलब स्टूडेंट लोग तो बहुत ही यूज़ करते हैं इसको यार, बियर शैम्पू। लुक भी देखो ना कितना प्यारा लग रहा है ना, बियर लुक दे रहा है बिल्कुल। 100% नेचुरल बियर यार, ये आपको पता है कि 100% नेचुरल बियर से तो नहीं हुआ है कि नहीं। बाकी ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा ही है। पैराबीन, 0% पैराबीन है इसमें, है ना। फुल ड्राई एंड लाइफलेस हेयर मेंशन किया हुआ है इन्होंने। मैं प्रोडक्ट क्यों यूज़ करता हूँ, क्या क्या मेरे थोड़े से यार हेयर थोड़ा बड़े टाइप के है ना, तो मैं प्रोडक्ट यूज़ करता, जैसे मैं क्या बहुत सारे शैम्पू यूज़ करता था, बहुत सारे शैम्पू यूज़ करा है मैंने इससे पहले। बट उसमें दिक्कत आता क्या होती थी, जैसे बाल धो ना आप सुबह सुबह, हेयर वॉश कर लो, अब भाई साहब ऑफिस जाओ ना या कहीं घूमने जाओ, तो आपके हेयर ना पूरे मतलब सिल्की रहेंगे यार, पूरे से नीचे आ जाएंगे, पूरे हेयर आपके इस टाइप से पूरे हेयर आपके हो जाएंगे पूरा, है ना। तो यार मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बताया ये, फिर मैंने इसको यूज़ किया। मैंने सोचा क्यों, मैंने सोचा पाउच आता होगा, पाउच लेने गया, पाउच मुझे नहीं मिला, 2-3 शॉप पे उन्होंने मुझे ये वाला बॉक्स दिया। फिर मैंने इसको यूज़ किया तो प्रोडक्ट तो मुझे बहुत अच्छा लगा, है कि नहीं। मतलब जैसे आप इसको लगाओगे ना, इसे वॉश करोगे, तो हेयर आपके सिल्की तो होते हैं लेकिन इस टाइप से होते हैं कि पूरे फेस पे आपके आ जाए, है कि नहीं। तो यार इसको आप यूज़ करो, अच्छा प्रोडक्ट है। इससे क्या रहता है, थोड़ा सा आपके हेयर स्ट्रेटिंग रहते हैं, मतलब थोड़ा सा मतलब हार्ड रहते हैं, मतलब इतना भी नहीं यार कि भैया हैं आप लटक जाओ फिर हेयर्स पे अपने, लेकिन हाँ मतलब आपके हेयर इतने रहते हैं कि आप कूल दिखते हो यार ऐसा। इससे नहीं है भैया, कोई ये नहीं बताएगा कि आपको बियर शैम्पू जो वॉश किया, आपको खुद से अच्छा लगेगा। एक बार यूज़ करो ना यार, मतलब मुझे थोड़ा ना इसके पैसे मिल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आपको हेयर में लुक देना है ना, इसको यूज़ करो यार लिटरली। और इसके बाद आप यूज़ करना क्लियर ऑयल, मैं बता रहा हूँ बहुत सारे ऑयल्स आते हैं, मतलब स्प्रे भी आते हैं बहुत सारे, हेयर स्प्रे वगैरह मैं यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे लगता है कि उससे बाल खराब हो जाएंगे। हाँ मैं शायद गलत हूँ इन जगह पर, लेकिन मैं यूज़ नहीं करता। मैं इसके बाद क्लियर ऑयल आता है एक, तो मैं यूज़ करता हूँ उसके, इसके बाद मैं वॉश करता हूँ फिर उसके क्लियर। और यार डेली शैम्पू मत किया करो, है ना, डेली शैम्पू तो मत करो। हाँ आप ट्रैवलिंग कर रहे हो अगर आप डेली, तो उस हिसाब से यूज़ कर सकते हो, वो भी एक बार वॉश करना है आपको। बाकी इस टाइप का बॉटल, बॉटल बहुत कूल रहता है इसका यार, इस टाइप से बॉटल रहता। पहले मैं सोचा था ये ओपनर टाइप में निकलता है, मैं यहाँ से ओपन कर रहा था, बट यहाँ से ओपन ना हो गया, यहाँ से निकल गया ये, है कि नहीं। तो प्रोडक्ट तो बहुत अच्छा लगा मुझे यार ये, और कुछ महंगा भी नहीं आता, 40 रुपये मेंशन किया हुआ इसमें, तो मुझे डिस्काउंट भी मिला था सर, पता है 35 का मिल गया था मुझे ये। प्रोडक्ट अच्छा है आ रही है, तो आप यूज़ करो एक बार और कमेंट करिए, बताइए कैसा प्रोडक्ट लगा आपको ये। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।